बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय दत्त की मूवी मुन्ना भाई MBBS काफी फेमस हुई थी। उस मूवी का यह था कि एक छात्र असली छात्र की जगह एक नकली छात्र बैठ जाता है। ऐसा ही वाक्या अमेरिका में हुआ और इस अमेरिका में इस गिरोह को पकड़ा गया। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह एक असली छात्र की जगह एक नकली छात्र बैठा। भारत में तो मुन्ना भाई यानी कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले मिल जाते हैं और इसी थीम पर फिल्म बनी थी मुन्ना भाई MBBS, जो भारत में न केवल चर्चित हुई बल्कि उसने खूब बिजनेस भी किया। मुन्ना भाई वाली बीमारी अब अमेरिका तक पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी लगभग 125 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें हॉलीवुड अभिनेत्री और कई जाने माने लोग गिरफ्तार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी येल और स्टैनफोर्ड में दाखिला दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक वसूले जाते थे। अमेरिका की पुलिस द्वारा विलियम रिक नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसका धंधा ये था कि वो अमीर लोगों के बच्चों को बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय में दाखिला करवाते थे और उसके लिए उसने अपनी सेटिंग जमा रखी थी। इस सेटिंग में वे असली छात्रों के फ़ोटो बदलकर नकली छात्रों के जरिए प्रवेश परीक्षा दिला देता था। अब जबकि ये पूरा मामला प्रकाश में आ गया है तो कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिन्होंने विलियम को भर्ती कराने के लिए पैसा दिया। मजे की बात यह है कि अमेरिका की पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें टीवी सीरियल डेस्परेट हाउसवाइफ की चर्चित अभिनेत्री हफमैन भी शामिल है। इस तरह से पुलिस द्वारा अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ABC चैनल के सीरियल फुल हाउस फुलर हाउस की अभिनेत्री लॉफ लीन भी शामिल है। मजे की बात यह है कि अगर इसमें प्रकरण साबित हो जाता है तो सभी को 20 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका में ये मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया तो अभी तक इस बीमारी से ग्रसित था, अब ये बीमारी अमेरिका तक कैसे पहुंच गई। तो ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।